गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है ब्यूटीज एंड ब्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये सारे कुर्ते सेट्स, इसमें बहुत सारे कुर्ता दुपट्टा पैंट मतलब फुल सूट सेट है और कुछ कुर्तियां भी हैं, तो मैं आपके साथ सारा कुछ आज शेयर करूंगी क्योंकि आने वाले वेडिंग सीजन और आने वाले फेस्टिवल्स के लिए कुछ आपको आइडिया लग जाएगा और आप कुछ नया नया ट्राई कर सकते हो। सो इस बार मैंने जो चीज़ें मंगवाई हैं वो सब अमेजोन से परचेस किया है मैंने। सो ये हॉल पूरा अमेजोन हॉल होगा और सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ट्राई ऑन आपको साइड में दिखेगा, प्राइस आपको ऊपर दिख जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पीस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कुर्ती है, ठीक है। ये कुर्ती मैंने पहनी भी है और एक दो बार वॉश भी की है और ये कुछ इस तरीके की कुर्ती है। आप देख सकते हो पूरा आगे योग पार्ट पे पूरा वर्क किया हुआ है, फॉल प्रिंट से पूरा, फॉयल मिरर्स भी हैं इसके बीच बीच में। आप देख सकते हो अगर मैं क्लोजअप आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे से फॉयल मिरर्स भी मिल जाएंगे और पूरे योग पार्ट में ना इसके पूरा वर्क किया हुआ है। सी पूरा यहाँ तक कमर तक आपके पूरा वर्क है अच्छे से एंड काफ़ी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। हैंड्स में भी आपको इसके इस तरीके का कढ़ाई दिख जाएगा, पूरा एम्ब्रॉयडरी दिख जाएगी दोनों हैंड्स पे और साइड पे। सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना वो इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है, आपके अंडर आर्म्स वाले एरिया से स्टार्ट होती है एंड यू नो पूरी स्लिट पे आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलेगी। सी तो जब आप इसको पहनोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत स्मार्ट लुक लाएगा। सी पूरा यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक आपको यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से नीचे के एरिया में भी मिल जाती है, सेम वैसे ही आपको साइड स्लिट्स में फिर से मिल जाती है। सो बहुत प्यारी कुर्ती है और जिस ये रही फर्स्ट कुर्ती जो मैंने आपके साथ शेयर करी, बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप डेली वेयर में इस कुर्ती को स्टाइल कर सकते हो, इयररिंग्स डाल के, कुछ व्हाइट कलर की इयररिंग्स डाल लो, पर्ल की इयररिंग्स डाल लो एंड काफ़ी अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। आप देख सकते हो कि मैंने इसको वॉश भी किया हुआ है पूरी रिंग, क्योंकि यहाँ पे पूरे रिंकल्स पड़े हुए हैं। सो ये रही फर्स्ट कुर्ती जो मैं आपके साथ शेयर करी, उसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं, आई गेस रेड कलर, मरून कलर है, ब्लैक कलर है और बॉटल ग्रीन कलर, तो मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये कलर पिक किया है। आप अपने मन का कोई भी कलर ले सकते हो। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन। ये वाला कुर्ता जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुर्ता पैंट दोनों का सेट है, ठीक है। और इसमें मेरा जो इस ब्रांड का नाम है वो है मीरा फैब और इसमें मेरा साइज XL है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है। सी पूरे में एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सिल्वर थ्रेड से पूरी एम्ब्रॉयडरी है और बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, काफ़ी अच्छी लग रही है पहनने के बाद, बहुत स्मार्ट लुक आता है इसको और पूरा आपके योग पार्ट पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बैक में आपको कुछ इस तरीके के पूरे ऑल ओवर सूट में, ऑल ओवर कुर्ते में आपको इस तरीके का डॉट 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 प्रिंट मिल जाएगा और ये प्रिंट निकलता नहीं है क्योंकि मैंने इसको वॉश भी किया है, ये प्रिंट निकला नहीं है बिल्कुल भी। सो पूरा गोल्डन प्रिंट आपको मिल जाएगा पूरे डॉट डॉट करके, पूरे ही ऑल ओवर सूट में, साइड में कोई भी यू नो एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, पूरा बेसिक जो इसका काम है वो इसके योग पार्ट पे ही है। ये देख सकते हो आप क्लोजअप में, देखो कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी लग रही है और पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। सो ये कुर्ती है और इसका इसका पैंट है, फुली इलास्टिक पैंट मिल जाता है आपको और स्ट्रेट पैंट है कुछ इस तरीके से और यहाँ नीचे की ओर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा छोटा सा गोटा पट्टी का लेस लगा हुआ है पैंट्स का नीचे और यहाँ पे वो जो कुर्ते में जो डॉट वाले प्रिंट का कपड़ा था वो यहाँ पे अटैच किया हुआ है, यहाँ पे कोटा पट्टी लगी हुई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। पैंट पहनने ये सूट बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसको छोटी मोटी पूजा वगैरह में भी पहन सकते हो। अगर आपके पास सिल्वर कलर का कोई दुपट्टा हो ना तो इसके साथ आप उसको स्टाइल कर लो और बहुत बढ़िया सूट बन जाएगा आपका, ये बहुत ही प्यारा सा। तो ये सेकेंड में जो आपके साथ शेयर करूंगी वो फुल कुर्ता दुपट्टा पैंट मतलब फुल सूट सेट होगा जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट वाला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है ब्रांड गोश्री की ब्रांड है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपनी डाला था, अपलोड किया था, बहुत लोगों को पसंद आया और लोगों ने मुझसे पूछा भी कि क्या प्राइस है, कहाँ से लिया, क्या मैंने डाला था उसमें, अमेजोन से लिया बट प्राइस नहीं डाला था। सो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ इस तरीके का सॉलिड कलर का आपको कुर्ता मिल जाता है, स्वीट हार्ट नेक है यहाँ पर और ब्रांड मैंने आपको बता दिया गोश्री की ब्रांड है और इसमें मेरा साइज XL है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का बिल्कुल सॉलिड कलर का कुर्ता है, पिंक कलर का कुर्ता है,
कुछ भी नहीं है इसमें। और इसका कपड़ा जो है वो कॉटन और रेयन मिक्स है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के हैंड्स के पास से कुछ कपड़े का एक्स्ट्रा ऐसे पट्टी टाइप का नहीं होता वैसा कुछ बॉर्डर बना के दिया हुआ है, बट ये फुल, तो ये आपको मिल जाता है इसका कुर्ता जो कि मैंने आपको शो कर दिया, या स्वीट हार्ट नेक है इसका, ठीक है, फुल कुर्ता इस तरीके का। पैंट भी आपको फुल्ली इलास्टिक पैंट मिल रहा है, ठीक है। पैंट आपको स्ट्रेट पैंट्स मिल जाती है, ये भी पूरी पूरा का पूरा प्लेन है, सॉलिड कुर्ता सेट है। और यहाँ पे साइड में आपको थोड़ा सा कट मिल जाता है जो कि बहुत स्टाइलिश लगता है जब आप हील्स डालते हो ना, और इस तरीके का कोई पैंट हो और साइड में इस तरीके का कोई स्लिट किया हो साइड से, तो बहुत स्मार्ट लुक आता है। तो ये फुली पैंट है, इसमें कोई भी पॉकेट है, इसमें एक पॉकेट है, वाओ दैट इज गुड। इसमें एक पॉकेट है साइड में पैंट में, जो कि बहुत अच्छी होती है क्योंकि छोटे मोटे मोबाइल फ़ोन रखने का तो इसमें नहीं है, क्योंकि ये डीप पॉकेट नहीं लग रही मुझे। मोबाइल फ़ोन तो आप नहीं रख सकते, वो छोटा मोटा कुछ भी सामान अपना लिपस्टिक वगैरह कुछ डाल सकते हो, उसके लिए पैंट्स का पॉकेट ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके का इसका पैंट है, फुल प्लेन सॉलिड। अब जो इसकी यूएसपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सूट सेट की जो यूएसपी है वो है इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा इतना प्यारा है ना, मैं क्या बताऊँ, इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो पूरे सूट को एकदम, मतलब ऑर्गेंजा फैब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्गेंजा फैब्रिक में कोई चीज है, तो ये मेरा दुपट्टा फर्स्ट ये ऑर्गेंजा फैब्रिक का दुपट्टा है। बहुत सुंदर पीस है और बहुत ही अच्छा लगता है आने वाले फेस्टिवल्स के लिए, ये कमाल का पीस लगेगा। सो अनदर पीस दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल, वो भी बहुत ही कमाल का पीस है, सभी कमाल के हैं। मैं जिसके बारे में कहूंगी, क्या कहूँ कि मैं कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है, सब मैंने अच्छा अच्छा ही पसंद किया है। सो ये वाला भी जो है वो भी गोश के ब्रांड से है। आई लव दिस ब्रांड बिकॉज इस ब्रांड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छे कुर्ता दुपट्टा मतलब फुल सेट भी आपको मिल जाता है। सो ये कुछ इस तरीके का कुर्ता है जिसमें आगे आपको पूरा यहाँ पे पैच वर्क मिल रहा है, देख सकते हो आप योग पार्ट पे पूरा पैच वर्क है, डिजिटल प्रिंटिंग है की हुई है एंड पूरा पैच वर्क किया हुआ है। साइड में गोटा पट्टी दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कुछ इस तरीके का है। और स्लीव्स पे भी आपको इस तरह से सेम वही पैच वर्क लगा हुआ है गोटा पट्टी के साथ, एंड नीचे भी आपको इस तरीके से सेम ऐसे ही बॉर्डर बना के मिला हुआ है। बैक पे कोई बॉर्डर नहीं है, बैक से ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, बैक से बिल्कुल प्लेन है। एंड राउंड नेक है, हल्का सा कट है, राउंड नेक है और हल्का सा कट दिया हुआ है सी, जो कि बहुत अच्छा लुक लगता है। कोई ज्वेलरी डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। ये सूट बहुत प्यारा है और बेज कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास बेज कलर का कुछ भी नहीं है, सो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। सो ये बेज कलर का मैंने कुर्ता लिया है, गोश्र की ब्रांड है, इसमें मेरा साइज XL है और मुझे परफेक्ट फिट है ये साइज। इसका पैंट आपको सेमी इलास्टिक पैंट मिलता है, ठीक है, आगे से आपको इस तरीके से मिलेगा और बैक से पूरा इलास्टिक है। अच्छा, पॉकेट इसमें है साइड में, पैंट्स में आपको एक पॉकेट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी डीप पॉकेट है। और ये काइंड ऑफ प्लाजो है बट बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है इसके पैंट्स में, बट कह सकते हो आप प्लाजो है, उतना भी ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, ठीक ठाक है, इतना चौड़ाई होगा इसका, देख सकते हो आप साइड में, नीचे की ओर भी आपको इस तरीके से सेम वही पैच वर्क जो कि कुर्ते पे दिया हुआ था वही आपको बॉटम में मिल जाता है दोनों तरफ, जो बहुत अच्छा लगता है। ये हो गया पैंट और वो कुर्ता, अब इसका दुपट्टा देखते हैं। इसका दुपट्टा भी कमाल का है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है सी, ये इसका दुपट्टा है फुल। इसकी जो चौड़ाई है दुपट्टे की वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बट लंबाई बिल्कुल ठीक है, चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। कॉटन और रेयन मिक्स कुर्ता दुपट्टा है और पैंट्स भी इसका कॉटन रेयन मिक्स है, जो कि बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, इस मौसम में आप पहन सकते हो। यहाँ पे आपको गोटा पट्टी का वर्क मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई ऑन में आप सब देख लेना कि कैसे मैंने स्टाइल किया है इनको,
ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा इस फेस्टिव सीजन्स में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्पेशली ये वाला सूट आप दुर्गा पूजा में पहन सकते हो, दुर्गा पूजा में इस तरीके का सूट बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सो ये है इसका दुपट्टा। जो लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, वो सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो दिस इज़ द लास्ट पीस, ये कुछ डार्क बॉटल ग्रीन कलर में है एंड इसका फैब्रिक जॉर्जेट और थोड़ा कॉटन मिक्स है। बहुत अलग टाइप का फैब्रिक है इसका, और जो आपको स्लीव मिल जाती है ना वो एल्बो स्लीव्स है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्लीव्स नहीं मिल रही है, ठीक है, एल्बो स्लीव है। यहाँ पे आपको मिल जाता है सेम वही गोटा पट्टी का वर्क, और फ्रंट में आपको मिल जाती है इस तरीके के, ये जो इनको क्या बोलते हैं, ऐसे बटन्स होते हैं ना जो फोम के साथ, वो पूरे यहाँ पे बटन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है। पूरे ऑल ओवर सूट में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ऑल ओवर सूट में, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ आपको सेम वैसी ही एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। ये भी ब्रांड गोश्री की ब्रांड है, और इसमें भी मेरा साइज XL है, ठीक है, सेम पूरा आपको मिल जाएगा। और ये सारा कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है, आप देख सकते हो, ये प्रिंट नहीं है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं है, पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। बहुत ही प्यारा कुर्ता लगा मुझे ये, और स्पेशली अगर कोई न्यूली मैरिड गर्ल है ना, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। इस तरीके का कलर्स उनके, जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती है ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि चूड़े उड़े उन्होंने पहने होते हैं, सो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं उनके ऊपर। इस तरीके का ये कलर हो गया, येलो कलर है, पिंक कलर है, इस तरह के कलर और ज़्यादा उनकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। सो कोई भी न्यूली मैरिड गर्ल हो तो वो ये वाला कलर, ये वाला शेड ट्राई कर सकती है। पैंट है वो भी आपको सेमी इलास्टिक मिल जाता है, कुछ इस तरीके से पीछे से आपको इलास्टिक मिल रहा है और आगे से कुछ इस तरह से है। ये पूरा स्ट्रेट पैंट है, ऑल सेम जैसा कुर्ता था ना वैसा ही पूरा पैंट है, और यहाँ पे आपको साइड में एक कट मिल रहा है छोटा सा, ठीक है, स्ट्रेट पैंट है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादातर स्ट्रेट पैंट्स ही प्रिफर करते हैं पहनना। सो अच्छा लग रहा मुझे ये वाला, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, स्पेशली इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और इसकी एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसका दुपट्टा। सो इसका दुपट्टा पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, कुछ इस तरीके से पूरा जरी वर्क किया हुआ है पूरे दुपट्टे में, देख सकते हो आप कितना चौड़ा बॉर्डर दिया है, पूरा यहाँ तक पूरा चौड़ा सा बॉर्डर है, उसके बाद पूरा बूटा बूटा इस तरीके से आ जाता है, ऑल ओवर दुपट्टे में इस तरीके से बूटे बूटे मिल जाती है आपको, और फिर नीचे की ओर सेम वैसे ही आपको मिल जाता है बॉर्डर। इसकी दुपट्टे की चौड़ाई कम है, मतलब लंबाई बिल्कुल ठीक है, चौड़ाई काफ़ी कम, चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कुछ इस तरीके का लगता है ये दुपट्टा पहनने के बाद। बाकी तो ट्राई ऑन में आप सब देख ही रहे हो, बट मुझे भी दिल कर रहा था इसको इस तरह से डालने का, तो मैंने डाल दिया। बट ये कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा प्यारा है, सो ये देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये कलेक्शन पसंद आए होंगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कि कौन सा वाला आपको अच्छा लगा, और बस मेरे चैनल को फॉलो करना और नोटिफिकेशन के बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर।